हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिछले कुछ दिनों से दूर रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा सांसद हैं और उनकी नाराजगी पर आखिरकार अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। आपको बता दें, कांग्रेस के चुनाव प्रचार से दूरी बनाने वाली पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा कई मुद्दों पर बेबाक तरीके से बोलती रही हैं, जिसको लेकर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। बीते कई दिनों से हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें आ रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि कहा यह जा रहा है कि टिकट बंटवारे में तरजीह न मिलने की वजह से शैलजा नाराज हैं। कांग्रेस ने जिन 89 सीटों पर टिकट की घोषणा की है, उसमें से शैलजा गुट को मात्र 9 सीटें मिली हैं, या यूं कहें कि उनके लोगों को सिर्फ 9 सीटें दी गई हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा गुट को 72 और रणदीप सुरजेवाला को कुल 2 टिकट मिले हैं उनके गुट के लोगों को। शैलजा ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोकी थी, लेकिन हाईकमान ने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद से कहा यह जाने लगा कि कुमारी शैलजा पार्टी हाईकमान से नाराज चल रही हैं और अब उन्होंने अपनी नाराजगी पर फिलहाल चुप्पी तोड़ी है। हरियाणा के दिग्गज नेता, दलित नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं मैं। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी तमाम बातें, जो फिलहाल पिछले कई दिनों से अटकलों के रूप में दिखाई पड़ रही थी, उन सब पर उन्होंने विराम लगाया। उन्होंने कहा कि सच्ची सिपाही हूं कांग्रेस की और कांग्रेस के लिए ही काम करूंगी। तमाम तरह की अफवाहों को विराम देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय कर रहे हैं, जल्द ही आपको प्रचार में नजर भी आऊंगी। साथ ही शैलजा ने यह भी कहा कि चुनाव के समय इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। अमर उजाला से बातचीत में भी कुमारी शैलजा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगी, मैं अपने पिता की तरह सच्ची कांग्रेसी हूं। बीजेपी की ओर से दिए जा रहे ऑफर्स और टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर है, अनुभव है। चुनाव के समय तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, मेरी पार्टी और मेरा नेतृत्व तो मेरा मकाम तय करेगा। वो कहती हैं कि मैं अपना रास्ता खुद तय करना जानती हूं, अपने पिता की तरह से कांग्रेस के तिरंगे में दुनिया से विदा होकर जाऊंगी, मैं कांग्रेस छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। वहीं चुनाव प्रचार से दूरी के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, बहुत जल्द मैं चुनावी मैदान में नजर आऊंगी, कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगी। वो दिल्ली में हैं, अपने सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात भी कर रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातचीत में इस तरह के जो अटकलें अफवाहें चल रही थी उस पर विराम लगाया है, उसके साथ ही उन्होंने अपनी बात खुलकर रखते हुए कहा कि नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। कुछ बातें तो हो ही जाती हैं, अंदरूनी बात होती है, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के साथ हरियाणा के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सारा देश बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मैं बहुत समझती हूँ उसमें थोड़ा बहुत योगदान शैलजा का भी होगा, उससे ज़्यादा कांग्रेस वर्कर का योगदान ग्राउंड पर ज़्यादा होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी को कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा को मनाने में तमाम लोग जब जुट गए हैं। इस बारे में हाईकमान ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी संदेश भिजवाया है कि चुनाव में वरिष्ठ नेताओं की कोई अनदेखी नहीं हो सकती, नहीं करनी है। इस बारे में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी हुड्डा से बातचीत की है। बताया यह क्या कि आने वाले दिनों में राहुल और प्रियंका गांधी के चुनावी कार्यक्रम के मंच पर कुमारी शैलजा दिखेंगी और उसके बाद वो चुनावी प्रचार में उतरती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कुमारी शैलजा जल्द ही राहुल और प्रियंका गांधी के साथ ही चुनाव प्रचार में नजर आ सकती है। वहीं बीजेपी की ओर से कुमारी शैलजा को पार्टी में शामिल करने के बयान जारी होने के बाद कांग्रेस हाईकमान सतर्क हो गया है। कांग्रेस हाईकमान के पास सूचनाएं पहुंच रही हैं, चुनाव प्रचार से शैलजा की दूरी से गलत संदेश जा रहा है। सत्ता पक्ष इसे मजबूती से उठाने की कोशिश में जुटा है। यदि जल्द ही शैलजा को मनाया नहीं गया तो पार्टी पर इसका विपरीत असर भी हो सकता है, ये पार्टी आलाकमान भी समझते हैं। खबरों के मुताबिक हुड्डा बहुत जल्द शैलजा से मुलाकात करने वाले हैं। कुमारी शैलजा से जुड़े नजदीकी लोगों ने यह भी बताया है कि वो इस समय दिल्ली में है और वहीं रुककर अपने हल्के के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, यानी अपने लोगों की परेशानियां सुन रही हैं। पहले वो हरियाणा चुनाव में जुड़े जो मुद्दे थे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती थी, मगर उससे भी अभी फिलहाल शैलजा ने दूरी बना ली है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर हरियाणा के बाहर के मुद्दों को जरूर शेयर कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की बात अभी नहीं कर रही हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, दलित नेता हैं, कई दिनों से विधानसभा चुनाव प्रचार के अभियान से गायब हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने वाले कार्यक्रम में भी वो नहीं नजर आईं।
इसी सब वजहों से सियासी हलकों में हलचल मची थी। कहा यह गया कि शैलजा अगर सच में नाराज हुई तो 10 साल से सियासी वनवास को दूर करने में जुटी कांग्रेस को हरियाणा में झटका लग सकता है। अब कुमारी शैलजा के जितने बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हाईकमान हरकत में है और शैलजा से बात हो चुकी है, इसलिए शायद शैलजा ये कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।